हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आ न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्लास 9। एंड इससे जो फर्स्ट वीडियो बच्चे हमने किया है उसमें हमने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होते हैं अगर हम इन्वेस्ट करें किस पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर और ट्रेनिंग पर, ये हमने समझा था। जो एक प्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने देखा कि किस तरह से अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ह्यूमन कैपिटल में। तो वही उसी को हम एक स्टोरी ले हैं यहाँ हमारे पास इस साल है। तो दो लोग स्टोरी है, इस स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम कल बात कर रहे थे कि कैसे वो असेट बन जाते हैं और कैसे लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी और असेट को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो दो स्टोरी को देख लेते हैं। पहले हम स्टोरी ऑफ बोथ विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टमेंट इन पीपल कैन मेक देम मोर प्रोडक्टिव। क्या बोल रहा है कि ये दोनों स्टोरियाँ हैं, विल हेल्प अस टू, क्या हेल्प, किस में हेल्प करेंगी, अंडरस्टैंड, हमें समझने में मदद करेंगी कि कैसे अगर पीपल्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो कैसे प्रोडक्टिव बन जाते हैं। अगर लोगों की किस पर, उनकी एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर और ट्रेनिंग पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो कैसे प्रोडक्टिव बन जाते हैं, कैसे सेट बन जाते हैं, वह देखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हम स्टोरी को देखते हैं बच्चे। जो स्टोरी है साकाल और विलास की, साकाल और विलास एक ही गांव में वाले दो हैं या फिर दो बच्चे हैं। जो साकाल है, पहले हम उसकी स्टोरी को देखते हैं। वो 12 साल का है, उसकी मम्मी का नाम बूटा है जो कि घर के ही कामकाज देखती है, मतलब में काम करते हैं। उसके फिर जिनका नाम बूटा चौधरी, तो वो एक फार्मर थे। जो साकाल पिता पिता उसके जो पेरेंट्स थे उनकी मम्मी घर करती थी, मतलब घर के कामकाज देखती थी, और उनके फादर एक किसान थे। और उसके दो छोटे भाई बहन थे जिसका नाम था जीतू और सीतू। तो जो उसके पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि साकाल को स्कूल भेजा जाए, जो गांव में स्कूल को स्कूल भेजा जाए, वो चाहते थे बच्चे को पढ़ाना। तो उन्होंने क्या किया कि उसको स्कूल भेजना शुरू किया। तो उसने अपनी स्कूलिंग पूरी की। स्कूलिंग करने के बाद उनके जो फादर थे या उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उन परस्यूटेड किया कि वो और आगे और आगे पढ़ाई करें। इसके लिए क्या उन्होंने कहा कि वो जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखे। तो ये उन्होंने एक लोन उठाया और लोन लेकर उनको एक वोकेशनल कोर्स कराया। किसका कोर्स कराया उनको, कंप्यूटर ट्रेनिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग की थी ना हमने कल, तो एक कंप्यूटर जो वोकेशनल कोर्स था वो उसको कराया। तो उसने उसको इंटरेस्ट आने लगा उसमें, जब उसने उसको करना शुरू किया कंप्यूटर कोर्स को, तो उसको उसको में इंटरेस्ट आने लगा। तो उसने बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट किया। और उसको कंप्लीट करने के बाद एक जो प्राइवेट फर्म थी वहाँ पर उसकी जॉब मिल गई। किसको जॉब मिली बच्चे, किसकी बात कर, साकाल की बात कर रहे हैं हम, साकाल की बात कर रहे हैं कि उसके माता ने उसको पढ़ाया, फिर उसको ट्रेनिंग आई, तो करने के बाद एक फार्म में उसको जॉब मिल गई। वहाँ पर उसने एक क्या उसने वहाँ पर उसने एक सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया, एक सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर वहाँ का जो उनका उसका जो बॉस उसको बहुत पसंद आया। पसंद क्यों आया, क्योंकि वहाँ की जो जो फर्म तेल थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो क्या किया उसने, उनको प्रमोशन दिया और बहुत अच्छी उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। किसको, साकाल को। तो साकाल का जो फ्यूचर था वो बिल्कुल सेट हो गया, सेटल हो गया, वो प्रोडक्टिव हो गया। प्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं ना हम, प्रोडक्टिव हो गया क्योंकि रिटर्न हमारे उसके पास आने लगा था। उसका फ्यूचर में उसके 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 ऊपर जो इन्वेस्ट किया गया था उससे उसको रिटर्न मिलने लगा था। रिटर्न क्या था कि उसको अच्छी जॉब मिल गई, उसको सैलरी मिल रही थी अच्छी, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया साकाल को कि क्या था और कैसे वो एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बना। अब देखते हैं विलास को। वहीं पर विलास भी गांव का एक बच्चा था जो 11 इयर्स ओल्ड था। उसके अदर था महेश, फिशरमैन, मछलियां जो वहां का लैंड ओनर था उसके पॉन्ड से मछलियां लेकर और पास की किसी मंडी में जाकर उनको कर देते थे। लेकिन जब ये विलास 2 साल का था तभी इसके फादर की डेथ हो गई। तो परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो इनकी मम्मी थी, इनकी जो मदर थी जिसका नाम था गीता, उन्होंने वही काम जो उसके फादर करते थे मछलियां बेचने का, जो एक फिशरमैन थे, तो उसने भी वही काम किया। वो लैंड ओनर के पॉन्ड से मछलियां आती और पास के मार्केट में जाकर बेचती। तो इससे क्या
क्या होता कि मुश्किल से 20 या 30 रुपए पूरे दिन में वो कमा पाती थी, जिससे बहुत ही मुश्किली हालात में वो अपना जीवन जी रहे थे कि मतलब बस दो टी रोटी वो खा पा रहे थे। इसी जो विलास था वो आइटिस उसको हो गई, लेकिन उसके लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए उसकी माँ के पास पैसा नहीं था। तो कुछ टाइम बाद जो उसकी मदर थी वो भी बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के कारण उनकी देखभाल नहीं हो पाई क्योंकि पैसे की कमी थी, पैसा नहीं था उनके पास। तो बीमारी के कारण उसने खाट पकड़ ली, मतलब वो कुछ नहीं कर पाती थी। तो मजबूरन जो विलास था उसी को वही करना पड़ा जो उसके पेरेंट्स कर रहे थे, मतलब अब वह भी मछली बेचने का काम करने लगा, और वो भी सिर्फ इतना ही कमा पा रहा था जिससे कि वो दो टाइम की रोटी खा सके। तो यार हमने देख ली शाकाल और विलास, विलास की कंडीशन कैसी है, बहुत क्यों, क्योंकि उस पर इष्ट नहीं हुआ था। वहीं पर हमने सर को देखा जो दो वर्ड पे और लाइबिलिटी, तो ये एसेट और लाइबिलिटी आपको समझ में आ गया कि अगर इन्वेस्ट किया जाता है पीपल्स पर, इन्वेस्ट किया जाता है रिसोर्सेज पर, अगर इन्वेस्ट किया जाता है तो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर पीपल पर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो क्या, वो मोर प्रोडक्टिव बन जाते हैं, मोर प्रोडक्टिव बन सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न फ्यूचर। ये समझ में आया बच्चे? भाई हमने शाकाल और विलास की कहानी से देख लिया कि जो स्टोरी हमने देखी थी, क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। भाई तो पढ़ रहे थे हम कि अगर ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया जाए तो वो क्या बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल। अगर हम यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये ह्यूमन कैपिटल। कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। पहले उसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया, इन्वेस्ट किया कहां पर किया गया, उसकी एजुकेशन पर, उसकी पर, उसकी ट्रेनिंग पर। तो क्या हुआ, फ्यूचर में रिटर्न मिलने की उसको बहुत अच्छी मिली, और अब उसको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, तो उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो गया, सेटल हो गया। अब ये जो टू स्टोरी थी, इससे दो सिचुएशन हमारे सामने आती है बच्चे। कौन कौन सी दो सिचुएशन है? एक क्या सिचुएशन है, वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल क्या है, जो रिलेटेड है किससे, शाकाल से। तो वर्चुअस साइकिल है कि जैसे शाकाल है, तो शाकाल, ये शाकाल हो गया, ये शाकाल हो गया, अब शाकाल की जॉब लग गई, इसकी शादी हो गई, यहाँ पर अब ये शाकाल और ये मिसेज शाकाल आ गई, दो हो गए। अब इनका एक बच्चा, तो क्या करेंगे, ये बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि इसको पता है इम्पोर्टेंस, पता है एजुकेशन की, कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के कारण ही, रीज़न यही था कि इसको बहुत अच्छी जॉब मिले। तो वो क्या करेंगे, उनका जो बच्चा है उसको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो फिर अब उस बच्चे की भी शादी हो जाती है, उसका भी बच्चा होता, तो करेंगे उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस पता है एजुकेशन की। तो क्या वही वर्चुअस साइकिल हो गया कि जो पढ़े लिखे हैं वो बच्चों को चाहे पढ़ा है उनके, चाहे उसके लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लोन लेना पड़े। वही अकाल के फादर ने भी किया था कि जो उसको एक वोकेशनल कोर्स कराया था कंप्यूटर का, तो उन्होंने एक लोन उठाया था। ये हो गया वर्चुअस साइकिल। वहीं पर अगर हम वीसीएस साइकिल को देखें, जैसे अगर हम बात करें विलास की, तो विलास है, ये विलास है, विलास पढ़ा लिखा नहीं, अब विलास की शादी, मिसेज विलास आ, तो क्या हुआ, उनका एक बच्चा, तो क्यों को एजेंसी नहीं पता, वो अपने सिर्फ जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन्हीं को पूरा कर लगे पड़े हैं, तो वो पर इतना ध्यान देंगे, उसकी पढ़ाई इतना ध्यान नहीं देंगे। फिर उसकी भी शादी हो गई, अभी एक बच्चा, तो वो क्या करेगा, उसकी पढ़ाई पर इतना ध्यान देगा, तो ये साइकिल ऐसे चलता ही रहता है। लेकिन आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बिना पढ़े लिखे होते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं पता होता, फिर भी वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो आगे बढ़ें। तो होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, ये साइकिल, तो ये जो वीसीएस साइकिल है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, वर्चुअस साइकिल में। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, वर्चुअस साइकिल में। तो दोनों जो स्टोरी थी, एसेट्स और लायबिलिटी, और ये दोनों स्टोरी थी शाकाल और विलास की, ये दोनों आपको ये साइकिल से समझ में आ गई होंगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, एग्जाम्पल किसका देखते हैं हम, जापान का। कल भी हमने एक बात की थी कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास दूसरे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्री हैं, इसलिए वो रिच कंट्री हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है, स्कार्सिटी है उनके पास, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री हैं।
तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम जापान का ले रहे हैं कि जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं, बहुत फोर आइलैंड्स हैं उसके पास, सुनामी आती जाती रहती हैं, अर्थक्वेक आते जाते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना वहाँ के लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं, फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री है। कैसे? इन्वेस्टेड पीपल्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, कि वहाँ के लोगों ने इन्वेस्ट किया पर लोगों की एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर और उनकी ट्रेनिंग पर। ये बात कर रहे हैं हम हेल्थ, ट्रेनिंग पर और एजुकेशन पर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो हमको क्या मिलता है? हाई रेट रिटर्न मिलता है इन फ्यूचर। तो क्या हुआ? पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज लैंड एंड कैटल। तो जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं या जो रिसोर्सेज नहीं हैं उनको भी एफिशिएंट तरीके से उसको यूज करना वो सीख जाते हैं। जो एग्जांपल हमने इसलिए दिया है कि कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं, उसको भी कंट्री के ऊपर डिपेंड है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, फिर भी वो डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि उन्होंने वहाँ के पीपल्स में इतने स्किल्स को डेवलप कर लिया है, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उनकी एजुकेशन और हेल्थ पर कि वो एक डेवलप्ड कंट्री बन के सामने आया है। तो आई होप आपको ये दोनों साकाल और विलास हानि अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और क्या हम इससे समझाना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, टेल गुड बाय, टेक केयर।